हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टैपेट क्लियरेंस क्या होता है, इसे कैसे सेट किया जाता है, टैपेट क्लियरेंस अगर कम या ज़्यादा सेट हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटेक वैल्व का टैपेट क्लियरेंस कम और एग्जॉस्ट वैल्व का टैपेट क्लियरेंस ज़्यादा क्यों होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टैपेट क्लियरेंस को अच्छी तरह समझने के लिए आपको इंजन के दो कंपोनेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। एक है इंटेक और एग्जॉस्ट वैल्व और दूसरा है रॉकर आर्म। मैं आपको बता दूं कि इंजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वहां पे इंटेक और एग्जॉस्ट वैल्व के ऊपर में ये रॉकर आर्म लोकेटेड होता है, और रॉकर आर्म के मूवमेंट की वजह से ही इंटेक और एग्जॉस्ट वैल्व ओपन और क्लोज होता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि जो इंटेक और एग्जॉस्ट वैल्व होता है उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, यानी जो उसका हेड होता है, वो कहलाता है वाल्व स्टेम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंजन के अंदर में जो वाल्व स्टेम है और जो रॉकर आर्म है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो क्लियरेंस होता है, इसे टैपेट क्लियरेंस कहा जाता है। यानी कि जो वाल्व और रॉकर आर्म है, इन दोनों के बीच में कोई भी मैकेनिकल लिंकेजेस नहीं होता है, इन दोनों के बीच में एक क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, क्लियरेंस दिया हुआ होता है, जो कि टैपेट क्लियरेंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सवाल आता है कि टैपेट क्लियरेंस को क्यों दिया जाता है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो हमारा इंजन का जब रनिंग होता है उस टाइम पे जो इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी कि उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। अब अगर टैपेट क्लियरेंस नहीं दिया जाए, यानी कि रॉकर आर्म और वैल्व को आपस में सटा दिया जाए, तो मैं आपको बताऊं उससे ये होगा कि एक तो जो हमारा वैल्व है वो जल्दी ओपन हो जाएगा, उसके बाद वो लेट से क्लोज होगा, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी इंजन में। इसीलिए इसके बीच में क्लियरेंस को दिया जाता है, ताकि इंजन के रनिंग के टाइम में जो वैल्व का थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है वो अच्छी तरह से हो पाए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर टैपेट क्लियरेंस ज़्यादा या कम हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब टैपेट क्लियरेंस का जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो वैल्व है वो लेट से ओपन होता है और जल्दी क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से सबसे पहले तो इंजन में पावर लॉस देखने को मिलता है, इम्प्रॉपर कंबशन होता है, हैमरिंग का आवाज़ आता है, जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाता है। यहाँ तक कि अगर टैपेट क्लियरेंस का लेंथ जो है वो ज़्यादा सेट हो जाए तो इंजन फेलियर होने का भी चांसेस हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर टैपेट क्लियरेंस कम हो जाए उससे होता यह है कि जो वाल्व है वो जल्दी ओपन हो जाता है और लेट से क्लोज होता है, जिसके वजह से जो इंजन का परफॉर्मेंस है वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो इंजन का पावर लॉस होता है, जो स्केवेंजिंग एयर है उसका लीकेज होता है, हाई फ्यूल कंजम्पशन होता है, हेवी शूट का फॉर्मेशन होता है, जो कंप्रेशन प्रेशर है उसका लॉस होता है, और जो वाल्व होता है उसका बर्निंग, यहाँ तक कि जो वाल्व का टोटल फेलियर भी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब ये सवाल आता है कि जो इंटेक वाल्व है उसका टैपेट क्लियरेंस कम और एग्जॉस्ट वाल्व का टैपेट क्लियरेंस ज़्यादा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जॉस्ट वाल्व है जब वो ओपन होती है तो होता ये है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है वहाँ से पास होती है। अब एग्जॉस्ट गैसेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके वजह से एग्जॉस्ट वाल्व को ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ डील करना पड़ता है, और इस वजह से जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसका जो लेंथ में चेंजेस होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंटेक वाल्व की बात करें तो जब वो ओपन होता है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के सिलेंडर के अंदर में आता है। अब जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के आसपास होता है, जिसके वजह से उसका थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। इसलिए जब हम लोग टैपेट को सेट करते हैं तो इंटेक का जो टैपेट होता है वो कम और एग्जॉस्ट वाल्व का जो टैपेट होता है वो ज्यादा होता है। अब फ्रेंड्स, मेन सवाल ये है कि टैपेट को कैसे सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब टैपेट को सेट किया जाता है तो एक तो उस टाइम पे इंजन ठंडा होना चाहिए, दूसरा इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज पोजीशन पे होना चाहिए, और तीसरा जो हमारा पिस्टन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन यानी कि टॉप डेड सेंटर में होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन मस्ट है टैपेट को सेट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टैपेट को सेट करने के लिए एक टूल का यूज़ किया जाता है, जो कि है फिलर गेज। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, फिलर गेज में क्या होता है कि पतले पतले शीट होते हैं जिसमें उसका थिकनेस मेंशन होता है, जैसे कि 0.01 mm, 0.02 mm, इस तरह से उसका थिकनेस फिलर गेज में मेंशन होता है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे गौर देने वाली बात है या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि हर एक इंजन का इंटेक और एग्जॉस्ट का टैपेट क्लियरेंस अलग अलग होता है। अब वो डिपेंड करता है कि इंजन का साइज कितना है, इंजन की कैपेसिटी क्या क्या है, इंजन कितने सीसी का, उसके ऊपर लोड क्या है, उसमें कितने सिलेंडर का यूज़ किया गया है, सिलेंडर का बोर स्ट्रोक ये सब क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि टैपेट कितना होगा। अब अगर सवाल आता है कि हम लोग कैसे पता करें कि टैपेट कितना सेट करना है हम लोग को, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपको गाड़ी के साथ ऑनर मैनुअल या सर्विस मैनुअल दिया जाता है उसमें मेंशन होता है कि इंटेक का टैपेट कितना होगा और एग्जॉस्ट का टैपेट कितना होगा। ओके, तो चलिए अपन बात करते हैं कि जब हम लोग फिलर गेज को ले लेते हैं और एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो इंटेक है उसका टैपेट है 0.05 mm, तो हम लोग क्या करेंगे, एक शीट लेंगे उसमें से निकालेंगे जो होगा 0.05 mm का। अब यहाँ पे जो रॉकर आर्म होता है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे लॉक नट होता है। अब जब वो लॉक नट पूरी तरह से टाइट होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो रॉकर आर्म है उसको हम लोग हाथ से जब हिलाएंगे तो उसका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग करना क्या पड़ता है कि जो रॉकर आर्म के ऊपर में जो लॉक नट होता है उसे हम लोग ढीला कर लेते हैं, उसे हम लोग खोल लेते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग उसे हाथ से मूव करते हैं तो वो मूवमेंट हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टैपेट क्लियरेंस है जो एरिया, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों का स्पेसिफाइड जो हम लोग का टैपेट है यानी कि 0.05 mm या जो भी है उसके शीट को हम लोग वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद अपने हाथों से हम लोग रॉकर आर्म को नीचे की तरफ दबाते हैं और उस पोजिशन पर ला के हम लोग लॉक नट को टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि होता क्या है कि जब हम लोग टाइट कर देते हैं एक बार रॉकर आर्म को अच्छी तरह से, तो हम लोग यहाँ पर ये देखना है कि जो सीट हम लोग डाले यानी जो फिलर गेज हम लोग वहाँ पे लगाए हैं वो पास करके हम लोग को उस एरिया से देखना है, यानी टैपेट क्लियरेंस से हम लोग को उस फिलर गेज को पास करके देखना है। अब यहाँ पे दो तीन कंडीशन है। पहला तो ये है फ्रेंड्स कि जब हम लोग पास करें तो ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो या पास ही नहीं हो पाए, यानी कि टैपेट गलत सेट हुआ है। दूसरा एक गौर करने वाली बात है कि अगर हम लोग ये सीट को पास करेंगे इन दोनों के टैपेट क्लियरेंस में से, तो अगर वो तुरंत जल्दी से पास हो जाए तो भी दिक्कत रहेगी, टैपेंस बढ़ गया है, टैपेट ज़्यादा सेट हो गया है। लेकिन अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस के साथ जो हमारा फिलर गेज है वो पास हो जाता है, यानी कि टैपेट अच्छी तरह से सेट हो गया है, जो भी मेंशन हो वो सेट हो गया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो इंटेक वाल्व है उसका जो टैपेट क्लियरेंस है वो इन जनरल 0.02 mm से लेकर 0.20 mm तक होता है। लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये इंजन पे इंजन डिपेंड करता है। और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसका इन जनरल जो टैपेट होता है वो होता है 0.05 mm से लेकर 0.30 mm, ये जनरल कंडीशन में होता है। कई गाड़ियों में इससे ज़्यादा भी टैपेट सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि टैपेट क्लियरेंस क्या होता है, कैसे सेट किया जाता है, ज़्यादा कम क्यों होता है, ये सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया। तो आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।